अलीराजपुर जिले की सोंडवा तहसील परिसर में बीते दो दिनों में 3000 से ज़्यादा पौधों का रोपण किया गया। एलएनटी कंपनी ने ये पौधे उपलब्ध करवाए थे। एलएनटी कंपनी के उपलब्ध कराए गए पौधों का दो दिवसीय पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के साथ साथ बीईओ रामानुज शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। गौरतलब है कि राजस्व विभाग के अमले ने पिछले साल भी 5000 पौधों का रोपण किया था और इस बार एलएनटी के सहयोग से 3000 पौधों का रोपण किया है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित करना हम सबकी सामूहिक चिंता है और हम सभी के सामूहिक प्रयास हैं। सुनिए जिम्मेदार अफसरों ने क्या क्या कहा। अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं सोंडवा से योगेंद्र राठौड़। आज हम सोंडवा तहसील प्रांगण के पीछे खड़े हैं और हमारे पीछे पौधारोपण हो रहा है। एलएनटी कंपनी द्वारा 3000 पौधे तहसील कार्यालय को आवंटित किए हैं हरियाली के लिए, तो उसी को आज दूसरा दिन है जिसमें पौधारोपण किया जा रहा है। कल 1700 के करीबन पौधे का रोपण कर दिया गया था और बचे हुए 1300 पौधों का रोपण आज किया जा रहा है। आज यहाँ पर विगत दो दिनों से पौधारोपण का वृहद स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। एलएनटी की जो कंपनी है उन्होंने हमको 3000 पौधे दिए हैं जिसको लगाने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। इसमें राजस्व विभाग के हमारे पटवारी और कोटवार लोग सहयोग कर रहे हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी आए थे और सेवा भारती के बच्चे भी हैं। पूरे ब्लॉक के जो टीचर्स हैं वो लोग भी अभी अपना श्रमदान दे रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 1300 पौधे लगा दिए थे और बचे हुए 1700 हम आज लगा रहे हैं। आज टोंडवा के शिक्षा विभाग को ऐसा निर्देश है तहसील प्रशासन की ओर से कि 3000 पौधे जो रोपित किए जाने हैं उसमें शिक्षा विभाग भी अपना योग दे। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि लगभग 750 पौधे आज हम लोग रोपने वाले हैं। इससे न केवल पर्यावरण के बतौर हरी सीमा आएगी, मुझे लगता है कि जो भूमि बंजर पड़ी हुई थी उस पर उसको हरा भरा करने का ये बहुत अच्छा प्रयास है। पूर्व में भी सोंडवा में इस तरह के एकीकृत प्रयास हुए हैं और मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि एक टीम के बतौर पूरा प्रशासन काम करके बेहतर परिणाम देगा। हाँ नमस्कार, मैं निर्भय सिंह पटेल, प्रभारी तहसीलदार सोंडवा, जिला अलीराजपुर। आप देख रहे हैं कि आज से एक वर्ष पूर्व जो परिस्थिति तहसील की थी, यहाँ पर वृक्षारोपण और पानी को लेकर बहुत ज़्यादा किल्लत थी, लेकिन श्री विजय कुमार मंडलोई साहब एसडीएम महोदय के मार्गदर्शन में और समीउद्दीन साहब के नेतृत्व में, उसके बाद हमारे श्रीमती सुरभि गुप्ता मैडम के मार्गदर्शन में जो वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया था वो अनवरत जारी है और प्रारंभिक वर्ष में हमारे प्रयासों से और सबके सहयोग से, जिसमें एलएनटी का सहयोग रहा, हॉर्टिकल्चर का सहयोग रहा, उसके बाद वन विभाग का भी हमें सहयोग रहा, इनके सहयोग के साथ साथ पीएमजीएसवाई और गणमान्य नागरिकों के सहयोग से 600 पोल लगे और 1800 मीटर की पूरी बाउंड्री बनाई हमने और उसमें 200 मीटर की ईंटों से बाउंड्री बनी तो गेट बने, एक छोटा गेट बना है आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे स्तर पर पानी की व्यवस्था भी जन सहयोग से की गई है, जिसमें दो टंकियां लगी, एक टंकी वर्तमान में फिर लगाई गई है ताकि भविष्य में जितने वृक्ष लगे हैं उन वृक्षों का सही से संरक्षण किया जा सके। केवल वृक्ष लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, पर्यावरण का कैसे संरक्षण किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग का समय है और साथ साथ आप देख रहे होंगे कि वृक्ष लगाओ, वायरस भगाओ और वर्षा को बुलाओ, इसी थीम पर हमारा कार्य चल रहा है जो अनवरत जारी है। और इसी के साथ आपने देखा होगा पिछले साल हमने 5600 पौधे लगाए थे, उसमें से 3600 से 4000 पौधे हमारे जिंदे हैं जो धरातल पर देखे जा सकते हैं।